CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है संस्कृत कहानियों की श्रृंखला वातायनम। वातायनम में आज सुनते हैं ये कार्यक्रम चतुरो वानरः। एक जंगल में एक नदी थी। उसके किनारे बहुत सारे आम, अनार, केले, गूलर तथा जामुन के पेड़ थे। वहीं पर एक बंदर रहता था। वह आनंदपूर्वक कभी एक डाली से दूसरी डाली पर लटकता, कभी नदी में कूद जाता और उछलकर फिर से पेड़ पर चढ़ जाता। पेड़ पर बैठकर वह सुंदर सुंदर और स्वादिष्ट फलों को खाता। फलों में उसे पता है जामुन बहुत प्रिय था। एषा विशालतमा नदी अस्ति। अस्याः तटे बहवः वृक्षाः सन्ति। आम्रवृक्षोऽयं, जम्बूवृक्षोऽयं, दाडिमवृक्षोऽयं, फनसवृक्षोऽयं, कदलीवृक्षोऽयं, अयं तु शाल्मलीवृक्षः। अतिशोभनं भवतु, इमं जम्बूवृक्षम् आरोहामि। एक दिन वह जामुन के पेड़ पर बैठा जामुन खा रहा था। उसने नदी में तैरती हुई मछलियों के साथ मगरमच्छ को देखा। मगरमच्छ से बात करने की इच्छा से वह पेड़ की निचली डाली पर आ गया। अहो अहो, नद्यां मीनाः दृश्यन्ते, परं एषः कः भिन्नाकृतिः? नद्याः जले अर्धनिमग्नः दृश्यते, ध्यानेन पश्यामि। अहो, अयं मकरः प्रतीयते। अस्तु, तत्र गत्वा मकरेण सह संलपामि तावत्। भो मकर। कथय कथय, त्वं कीदृशोऽसि? भो वानर, अहं बहुकालात् अत्र स्थित्वा तव कूर्दनं, फलभक्षणं च आनन्देन पश्यामि। वस्तुतः त्वं धन्योऽसि। मकर, अहं नानाविधानि फलानि खादामि। किं तुभ्यं जम्बूफलानि रोचन्ते? वानर, अहं कथं प्राप्स्यामि? मह्यं कः दास्यति जम्बूफलानि? रे मकर, चिंता मास्तु, मयि मित्रे सति किमपि दुर्लभं नास्ति। गृहान् तावत् इमानि जम्बूफलानि, खादतु खादतु मित्र। वानर, इमानि जम्बूफलानि बहु मधुराणि सन्ति। किं त्वं प्रतिदिनम् ईदृशाणि मधुराणि फलानि खादसि? आम्, अहं प्रतिदिनं नानाविधानि मधुराणि फलानि खादामि। रे वानर, त्वं धन्योऽसि वस्तुतः, तव जीवनं सफलं। किं त्वं मह्यमपि प्रतिदिनं जम्बूफलानि दास्यसि? रे मकर, कथं न, अवश्यमेव दास्यामि, स्वीकरोतु। अस्तु, इदानीं गृहं गच्छामि। बंदर से मीठे मीठे एवं स्वादिष्ट जामुन को लेकर मगरमच्छ प्रसन्नता के साथ अपनी पत्नी के पास गया। प्रिये, प्रिये। अरे,
अद्य शीघ्रमेव आगतः। प्रिये कुत्र अस्ति? शीघ्रम आगच्छ। आगच्छामि। कथय स्वामी, किमर्थम आकारयसि? पश्यतु, अद्य अहं किम् आनीतवान्। अहो, इमानि तु जम्बूफलानि अतीव सुन्दराणि सन्ति। आस्वादयतु तावत्। मधुराणि सन्ति। कुतः प्राप्तानि? प्रिये, इमानि जम्बूफलानि वानरेण प्रदत्तानि। आर्य, सह वानरः इमानि जम्बूफलानि कुतः आनीतवान्? सः तु प्रतिदिनम् ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति। स एव नदीतीरस्थ जम्बूवृक्षात् फलानि आनीय दत्तवान्। यः वानरः ईदृशानि मधुराणि फलानि खादति, तस्य हृदयं कियान् मधुरं भविष्यति। किं त्वं तस्य वानरस्य हृदयम् आनेतुं शक्नोषि? किमर्थम्? आर्य, अहं तु तस्य वानरस्य हृदयं भोक्तुम् अभिलषामि। आर्य, कथमेतत् सम्भाव्यते? सः तु मम मित्रम्। सम्भाव्यते वा न वा तदहं न जाने, परं यदि तस्य हृदयं न मिलिष्यति तर्हि अहं तु प्राणत्यागं करिष्यामि। अस्तु, गच्छामि, प्रयत्नं करिष्यामि तस्य हृदयम् आनेतुम्। पत्नी के बंदर का कलेजा खाने की हट पर वो दुखी तो हुआ, किंतु फिर भी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वह बंदर को लाने के लिए फिर से बंदर के पास नदी के किनारे गया। आगतः मम मित्रं मकरः। रे मित्र वानर, तव भ्रातृजाया तव दर्शनाय उत्सुका अस्ति, किं त्वं मया सह मद्गृहं चलिष्यसि? अवश्यमेव चलिष्यामि, वद कुत्रास्ति तव गृहं? रे वानर, मम गृहं नद्याम् अस्ति। मित्र मकर, तव गृहम् अस्ति नद्यां, तत्र कथमहं गन्तुं शक्नोमि? मित्र वानर, अलं चिन्तया, अहं त्वां स्वपृष्ठे धृत्वा गृहं नयामि। तर्हि का चिन्ता, सत्वरं चलतु। बंदर को पीठ पर लेकर जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच पहुंचा तो पता है क्या हुआ? अयं तु आगतः, एनं प्राप्य मम पत्नी प्रसन्ना भविष्यति। मित्र मकर, त्वं किमर्थं हससि? मित्र वानर, मम पत्नी तव हृदयं खादितुम् इच्छति, एतदर्थम् अहं त्वां नयामि। एवमस्ति चेत् त्वया पूर्वमेव कथं न निवेदितम्? मम हृदयं तु वृक्षस्य कोटरे स्थापितम्, शीघ्रं तत्रैव नय, येन अहं भ्रातृजायायै स्वहृदयं दत्त्वा तां तोषयामि। हे मित्र, एवमस्ति, तर्हि तत्रैव चल। भो वानर, सम्प्राप्तोऽहं नद्यास्तटे, सत्वरं गच्छ, हृदयमानय। पुनः शीघ्रं चलावः। धिङ्मूर्ख, किं हृदयं शरीरात् पृथक् तिष्ठति? कथम्? अतिकृतज्ञोऽसि त्वं, मैत्रीधर्ममपि न जानासि, मामेव हन्तुमिच्छसि, आवयोः मैत्री समाप्ता। हार्दिक, सर्वं नष्टं, मित्रमपि नष्टं, पत्नी अपि रुष्टा। तो बच्चों, आपने सुना, अपनी बुद्धि एवं धैर्य के सहारे बंदर ने किस प्रकार अपनी जान बचाई। अतः
विपरीत परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए। चतुरो वानरः, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन, अनुसंधान एवं आलेख प्रोफेसर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर रंजीत बेहरा, भाषा शिक्षा विभाग NCERT। कलाकार डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी, डॉक्टर पंकज मिश्र, धनश्री और प्रेरणा। ध्वनि अंकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग गीतिका उनियाल और विमलेश चौधरी। निर्माण, निर्देशन और ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT।